हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक्नीशियन ए के जो सेकेंड टायर का एग्जाम होने वाला है उसकी क्लासेस करवा रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कोपा ट्रेड के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब तक जो है हम 12 क्लासेस कवर करवा चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। हमने जो है अब तक डॉस और विंडोज के सेटिंग्स, इक्विपमेंट और जो कंपोनेंट होते हैं और जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, अब तक जो है हमने जो है बेसिक्स जो है चैप्टर्स को कवर किया है। और हमारा कल से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, वो हमारा रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का। ठीक है, बाकी आज एक टॉपिक और छूट रहा था, वो हमारा है लिनक्स। ठीक है, हमने आपको डॉस कवर करा दिया था पिछले क्लास में। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लिनक्स का जो है डिटेल से समझेंगे और लिनक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें इसके जो है इंफॉर्मेशन करना चाहिए अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लिनक्स के बारे में फुल डिटेल्स के साथ, और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, और आप ही सोचिए, यदि आप लोग स्किल टेस्ट नहीं पास करेंगे, यदि आपका कोई टॉपिक छूटा रहेगा तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स को आपको कवर करते चलना है। ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं F5 प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा जो ये क्लास है कोपा ट्रेड के लिए, ये आप लोग अच्छे जानते होंगे, ये हमारा चैप्टर 4 है और ये क्लास नंबर 9 है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो है लिनक्स। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक कोटेशन रखा हूँ, जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, इस कोटेशन का देने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को देख करके घबराए नहीं, आप लोग उसे बस सीखते जाइए, आपका कोई भी टॉपिक में छूटने नहीं दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि आपका कोपा ट्रेड है तो आपका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, यदि आप हमारे इस वाईफाई गूगल ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिनक्स क्या होता है। ठीक है, लिनक्स देखा जाए तो बेसिकली जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11 जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि जो सिस्टम होता है और जो यूजर होता है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा लिनक्स है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एज अ विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पर लिनक्स जो होता है, यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने आपको बताया कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और दूसरा लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द यूनियक्स ओएस ए मेजर सर्वर ओएस। ठीक है, ये यूनियक्स बेस्ड होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा एप्पल फोन होता है, एप्पल के जो आईपैड वगैरह आते हैं वो सब लिनक्स बेस्ड होते हैं, यूनियक्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी जो है जो एप्पल का ओएस होता है उसी के एज अ कंपेयर उसी के बराबर है। ठीक है, तो देखा जाए तो लिनक्स ओएस का यूज किस लिए किया जाता है, तो लिनक्स ओएस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लिनक्स है ना वो काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे विंडोज ओएस और लिनक्स ओएस में कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कंपेयर करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विंडोज व्हाइल विंडोज आर द नॉट द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज ओएस होता है ये हमारा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। देखिए ओपन सोर्स में आपको बता दूं, ओपन सोर्स क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन जब बनता है तो उसका कोडिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो उसका कोड होता है ना वो पब्लिकली नहीं होता है। यदि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर या फिर किसी स्टोर पर अवेलेबल है तो उसका कोड जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो विंडोज 7, 8 और उसके बाद 11 और जो भी है विंडोज, उसके सोर्स जो कोड है ना वो अवेलेबल नहीं है फ्री में, लेकिन ये जो लिनक्स है इसके सोर्स कोड आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, आप उसमें अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी डेवलपर आप जो है अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग कर सकता है कि कोई फंक्शन ऐसे ना वर्क करके किसी दूसरे तरीके से वर्क करे। ठीक है, तो बस आप लोग इतना जानिए कि ओपन सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा लिनक्स होता है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि हमारा जो लिनक्स ओएस होता है वो कैसा होता है, वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि
कि वाइल इट इज अ कॉस्टली, विंडोज ओएस जो होता है ये कॉस्टली होता है, लेकिन जो हमारा लिनक्स ओएस होता है ये बिल्कुल फ्री में होता है। ओके, वाइल इट इज फाइल नेम इन केस सेंसिटिव, जो है केस इनसेंसिटिव। देखिए विंडोज ओएस में जब हम काम करते हैं, अभी हमने आपको कल विंडोज जो है डॉस पढ़ाया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर हम चाहे कैपिटल में अपना कमांड लिखते थे और चाहे स्मॉल में लिखते थे, हमारा दोनों स्थिति में कमांड रन करता था। लेकिन लिनक्स के केस में क्या होगा, यदि कोई कमांड जो है स्मॉल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, तभी वो रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट हुआ है, व्हाइल इन द माइक्रो कर्नल इज यूज्ड। देखिए विंडोज जो है ये माइक्रो जो है यहाँ पे कर्नल का यूज करता है, जबकि लिनक्स जो होता है वो मोनोलिथिक कर्नल का यूज करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी डिफरेंसेस हैं जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है कि लिनक्स का यूज कैसे करते हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर अगर जो इंस्टॉल करना है तो उसे कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें कोई कमांड कैसे रन कराएंगे। ठीक है, और लिनक्स में जो है लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। लिनक्स का यूज बेसिकली दोस्तों डीआरडीओ में इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि जो लिनक्स ओएस होता है ना, काफी सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एप्पल फोन होता है उसमें फीचर्स तो कम होते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अव्वल स्थान पर आता है, यानी कि बहुत फर्स्ट स्थान पर आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो लिनक्स होता है, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एप्पल का जो उसमें मतलब जो एंड्रॉयड होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो लिनक्स बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लिनक्स ओएस है ये काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो है बड़े बड़े कंप्यूटरों में जो सर्वर जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखे होते हैं, जो है इंपॉर्टेंट डाटा रखा होता है, वहां पर जो है लिनक्स ओएस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग तो विंडोज ओएस यूज करते ही है क्योंकि इसके हम टू यूज हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विंडोज लिनक्स को जो है कैसे लिनक्स ओएस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसकी स्क्रीन को पहले बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हम छोटा सा पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा साइज, ताकि स्क्रीन पर फुल रहे। अब आप लोग जो है देखेंगे यहाँ पर ये जो है पावर, यहाँ पर हमने ये आप लोगों के लिए तैयार किया है कि कैसे जो है इंस्टॉल किया जाता है लिनक्स को। लिनक्स क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे उबंटू है, हम लोग के जो आईटीआई कोपा ट्रेड है ना उसमें उबंटू को इंस्टॉल करने का तरीका पूछा गया है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको उबंटू इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं लिनक्स में, चाहे वो उबंटू हो, पैरट ओएस हो, और उसके बाद जोरिन ओएस है, बहुत सारे इसके जो है अवेलेबल हैं इसके वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे उबंटू को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि व्हाट इज उबंटू। उबंटू इज द मॉडर्न ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उबंटू से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, उबंटू ही हमारा जो लिनक्स होता है उसका, जैसे विंडोज में जैसे विंडोज है, विंडोज के विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 10, 11, इस तरीके से उसी प्रकार लिनक्स का उबंटू, लिनक्स का पैरट ओएस, लिनक्स का जोरिन ओएस, लिनक्स का कुबंटू, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग उबंटू को इंस्टॉल करके देखेंगे क्योंकि हमारे कोपा के सिलेबस में उबंटू ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उबंटू इज द मॉडर्न ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको ओपन सोर्स के बारे में बताया, ठीक है, कि ये इसका जो सोर्स कोड है आपको जो है मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से उसमें मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में, उस ओएस में। ओके, और ये बिल्कुल फ्री में होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि उबंटू को इंस्टॉल करने के जो है कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने तीन तरीकों के बारे में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। एक तो होता है कि बाय वर्चुअल मशीन। बाय वर्चुअल मशीन में हमारा वीएमवेयर, हाइपर, एक मिनट यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। देखिए सॉरी गाइस, थोड़ा सा जुकाम हो गया है इसलिए। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो वर्चुअल मशीन होता है ये क्या होता है। देखिए वर्चुअल मशीन को मैं आपको आसान भाषा में बताऊं,
देखिए, वर्चुअल मशीन पर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो पीसी है, उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई विंडो चल रहा होगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, हमारे जो सिस्टम है, लैपटॉप है, उसमें कोई ना कोई जो है सॉफ्ट, कोई ना कोई ओएस होगा, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, ठीक है। उसमें हम एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं वीएमवेयर का। वीएमवेयर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम हैं और हम अपने ऊपर किसी अपने कंधे के ऊपर किसी को बैठा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वर्चुअली हो जाएगा कि वो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से वीएमवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, और जो हाइपर भी होता है या फिर हाइपरवाइजर जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसे हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जो है हम उसके ऊपर जो है अपने उसके ऊपर चाहे विंडोज 7 इंस्टॉल करें, चाहे उबंटू इंस्टॉल करें, चाहे 10 को इंस्टॉल करें, चाहे 11 को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो वीएमवेयर जो होता है, एक प्रकार का हमारा वर्चुअल मशीन होता है, एक हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है। हमारे सिस्टम में जो भी विंडोज रहेगा, चाहे वो 7 है, 10 है, 11 है, उसके ऊपर जो है हम वीएमवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर ही एक हम लोग वर्चुअल मशीन बना देंगे, और उस वर्चुअल मशीन पे हम विंडोज 7, 8, 10, 11 किसी भी प्रकार के ओएस को इंस्टॉल करके हम चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग टेक्निकल फील्ड में आएंगे कोपा में, ठीक है, आगे आप लोग यदि बीटेक वगैरह करेंगे, डिप्लोमा वगैरह करेंगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि वर्चुअल मशीन से मशीन के ऊपर जो है किस तरीके से हम लोग चीजें करते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हमने ये सारी चीजें कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको डिटेल से बहुत बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टाइम की कमी है, इसलिए मैं डिटेल से ज्यादा नहीं बता सकता। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है हाइपर बी पर, ये जो हाइपर बी आप देख रहे हैं ना, ये विंडोज जो होता है, चाहे वो 10 हो, 11 हो या फिर 8 हो, उसमें ये हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है जो है वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इस पर जो है हमने उबंटू इंस्टॉल किया है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने पहला तो है कि वर्चुअल मशीन पे आप उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा होता है कि आप बूटेबल पेन ड्राइव बना करके जो है उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं, तीसरा होता है बाय डुअल बूट। बाय डुअल का, डुअल बूट का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में मान लेते हैं 7 या फिर 10 पहले से है, और उसके साथ साथ जो है उबंटू भी चलाना चाहते हैं, तो आप जो है डुअल बाय डुअल बूट प्रोसेस उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानेंगे कि हाइपर बी पे कैसे उबंटू को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। नीचे आता हूँ, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो है उबंटू को कैसे इंस्टॉल किया जाता है यूएसबी में बूटेबल बनाने के बाद। सबसे पहले आपको यूएसबी से बूटेबल बना लेना है, हमने आपको डॉस में बताया था, सॉरी डॉस में नहीं, विंडोज 10 के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बताया था कि आप जो है बूटेबल बनाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, रूफुस बताया था, ठीक है। तो रूफुस से आप बूटेबल बना सकते हैं या फिर पावर आईएसओ से, ठीक है। तो हमने रूफुस से बताया था, तो आप रूफुस से उसे जो है बूटेबल बना लेंगे। बूटेबल बनाने के बाद यहाँ पर जो है आपको बूट की प्रेस करना रहता था, हमने आपको विंडोज 10 का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया था सेम उसी तरीके से करना होगा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूज ना हो। तो उसी तरीके से आपको बूटेबल बनाना है। बूटेबल बनाने के बाद आपको जो आपका जो आपके पीसी के लिए बूटिंग की होगा, चाहे वो F2 हो, डेल हो, F10 हो, जो भी होगा, तो आपको बूट की प्रेस करना होगा। जैसे ही आप बूट की प्रेस करेंगे, तो जिस पेन ड्राइव में आपने बूटेबल बनाया है उस पेन ड्राइव को आपने सिस्टम में कनेक्ट किए ही रहेंगे, तो उस जो है पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे ही कर लेंगे, आपका जो उबंटू है वो डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट होने के बाद सबसे पहला जो आएगा वो हमारा आएगा कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट करें। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले उबंटू पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल इंस्टॉलेशन का या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन। देखिए नॉर्मल इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि आपको वेब ब्राउजर, यूटिलिटी, ऑफिस सॉफ्टवेयर, ऑफिस में क्या मिलता है, लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल मिलता है जो है आपको उबंटू में, ठीक है। तो यहाँ पर गेम्स एंड मीडिया प्लेयर वगैरह मिलेगा यदि नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं। यदि मिनिमल करते हैं तो मिनिमल में क्या होगा कि आपको वेब ब्राउजर और बेसिक जो है फीचर मिलेगा, बाकी आप अपडेट करके उसे जो है बना सकते हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से आप, हम तो यही कहेंगे यदि आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो मिनिमल कीजिएगा, यदि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का चूज करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर जो है आपसे बोलेगा कि आप जो है इंस्टॉल किस तरीके से करना चाहते हैं उबंटू को। यदि आपके सिस्टम में विंडोज 10, 11 या फिर 7 पहले से है, तो वहां पर जो है
लिखा हुआ है इंस्टॉल उबंटू अलॉन्ग साइड, यानी कि विंडोज 10 7 8 के रहने के साथ साथ आप जो है उबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। यदि आप जो है उस मतलब ओएस को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपके सिस्टम में पहले से रन कर रहा है वो, यदि उसको डिलीट करके आप उबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन का चूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगेगा यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। वैसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू करके ही जो है आप इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह पूछेगा उसके बाद आएगा हमारा कि आप जो है यहाँ पे स्टोरेज का चयन करें। स्टोरेज का चयन करने के बाद यहाँ पर जो है आप जितना भी जीबी उसे जो है एलोकेट करना चाहते होंगे 100 जीबी 150 जीबी वो आप वहाँ पर उसे दे देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल जो है आपका उबंटू जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन स्टार्ट होने के बाद आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। वैसे तो यहाँ पर ये हमने जो प्रोसेस बताया है ये हमने बूटेबल पेन ड्राइव से करके बताया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो मैं किया हूँ वो हाइपर जो है हाइपर बी पे किया हूँ। हाइपर बी एक वर्चुअल मशीन होता है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगा उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा लॉन्ग करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस लिख लिया है, मैं इसका आपको पीडीएफ दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इसके लिए। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हमारा डुअल बूट का। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ पे तीन प्रोसेस बताया है आपको। यहाँ पे जो ये हमने बीच वाला प्रोसेस बताया है आप लोग इसी प्रोसेस को समझिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा उबंटू ओएस होता है वो किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने वर्चुअल मशीन पे जो है हाइपर वी पे इंस्टॉल कर लिया है उबंटू ओएस को। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, हमारा यहाँ पे पासवर्ड है, अब मैं पासवर्ड डाल के यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ये उबंटू जो है इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर हमने वर्चुअल मशीन पे किया हुआ है इसलिए फुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, यदि आप वीएमवेयर वगैरह पे करेंगे तो वहाँ पर ये फुल डिस्प्ले में ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारा जो स्क्रीन साइज है ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा होता है उबंटू का स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे कि यहाँ पर इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें कमांड वगैरह कैसे रन कराते हैं। ठीक है, इसकी क्या बेनिफिट्स वगैरह है थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं उबंटू जब इंस्टॉल होता है तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने डॉस में आपको कमांड रन करा के दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कमांड्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ कमांड्स वगैरह आप लोगों के लिए लिख रखा है, मैं आपको सबसे पहले कमांड दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग को मैं बताता हूँ। ये आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट करता हूँ पहले इस थोड़ा। हाँ, ये आप देखेंगे हमने जो है आप लोगों के लिए 10 कमांड यहाँ पे रेडी किया है। ये इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो यहाँ पर मैं 10 कमांड का यूज करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपसे जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में वहाँ पर कमांड वगैरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उबंटू क्या होता है हमने आपको बताया तो उबंटू वगैरह से भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो इन बहुत बेसिक कमांड है, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग, मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 11 कमांड है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं सबसे पहले अपने उबंटू ओएस पे चलता हूँ। ये आप देखेंगे ये हमारा पीछे तो चल ही रहा है जो हमारा विंडोज है, आप देखेंगे ध्यान से। इसके यही होता है वर्चुअल मशीन का फायदा कि आपके सिस्टम में पहले से विंडोज 10 11 रन ही कर रहा है, उसके ऊपर हमने उबंटू ओएस इंस्टॉल कर लिया, यही होता है वर्चुअल मशीन। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत डिटेल से नहीं बता सकता वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। वर्चुअल मशीन जो होता है हमारे कि एक सिस्टम पे किसी दूसरे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेना, वो एक प्रकार से वर्चुअल मशीन विधि होता है, वर्चुअल मशीन के थ्रू ही वो हो पाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिनक्स ओएस हमारे विंडोज 11 पे इंस्टॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ओएस हो जाता है इंस्टॉल। यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह नहीं होता है, जैसे आप लोग विंडोज 7 10 11 में रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो भी काम होते हैं ज़्यादातर कमांड के बेस पे ही काम होते हैं, जबकि इसे अपडेट कर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं GUI बेस्ड भी कर दिया गया है, क्योंकि ये सबसे पहले जब बना था तो ये CLI बेस्ड बना था, यानी कि कमांड के बेस पे, यानी कि कैरेक्टर लाइन इंटरफेस के बेस पे बना था। लेकिन आप इसे देख सकते हैं इसमें भी आइकन वगैरह जैसे विंडोज में होता है ना,
उसी तरीके से इसमें भी आइकन अगर आपको देखने को मिल रहा है, उबंटू है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन वगैरह हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड में क्लिक करने पर सभी ऐप्स वगैरह दिखता है अपने मोबाइल में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, लैंग्वेज, टेक्स्ट एडिटर, कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी डाउनलोड किया है। इसमें जो है इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी आपके ओएस में, लिनक्स ओएस में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल रहेगा वो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल एक ब्राउजर मिल जाता है फायरफॉक्स का, आप जो है इस ब्राउजर पे क्लिक करके किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर ब्राउज वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गूगल वगैरह ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने गूगल सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल वगैरह ओपन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपको एक प्री डिफाइंड जो है यहाँ पे ब्राउजर मिलता है जिसे फायरफॉक्स बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लिनक्स ओएस में कौन सा ब्राउजर जो है प्री इंस्टॉल मिलता है, तो आप लोग बताएंगे फायरफॉक्स, ठीक है। और जो पूछ लेगा कि कौन सा मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का और एक्सेल का कौन सा मिलता है, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस मिलता है। और हम लोग किस जो विंडोज होता है 7, 8, 10, 11, वहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस मिलता है, तो यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस मिलता है प्री इंस्टॉल, ओके। बाकी देखिए ये रिसाइकल बिन है, जैसे हम लोग के वहाँ पर सिस्टम में रिसाइकल बिन होता था, यहाँ पर ट्रैश मिलता है। और ये आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हेल्प के लिए कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर इनका ये सॉफ्टवेयर अपडेट जो है अपडेट करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया है। जैसे हम लोग दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें फाइल का ऑप्शन मिलता है, इस फाइल पे क्लिक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अपना फोल्डर वगैरह, ओके। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, डॉक्यूमेंट कुछ सेव करेंगे तो यहाँ पर आएगा, डेस्कटॉप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है कि लिनक्स के जो है स्क्रीन को क्या बोला जाता है, जैसे आपका विंडोज 7, 10 होता है ना, उसके स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप, लेकिन इसके स्क्रीन को बोला जाता है एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ पर नाम ही इतना कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ याद आ गया, यहाँ पर बोला जाता है मतलब जीनोम बोला जाता है, ठीक है। हम लोग विंडोज 7, 8, 10 जो होता है वहाँ पर बोला जाता है डेस्कटॉप, और यहाँ पर इसे बोला जाता है जीनोम, ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ आपको बताया दिया है, बाकी यहाँ पर यदि आपको कुछ चेंजिंग वगैरह करना है वॉलपेपर वगैरह, तो राइट क्लिक करेंगे कहीं भी फ्री स्पेस में, और यहाँ पर आप चेंज बैकग्राउंड, डेस्कटॉप के आइकन सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो डेस्कटॉप फाइल, सेलेक्ट ऑल, न्यू फोल्डर, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश वगैरह करते थे, तो यहाँ पर रिफ्रेश का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ फोल्डर वगैरह बनाने का, बैकग्राउंड चेंज करने का, डिस्प्ले सेटिंग का, आइकन जो है चेंज करने का, यहाँ पर जो है आपको सूट सेटिंग वगैरह मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप क्लिक करके जो है सेटिंग वगैरह में तो जा ही सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ कमांड वगैरह रन करा लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे हम लोग अपने मतलब विंडोज में, यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं ना, CMD लिख के जो है अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, उसी तरीके से जो है हम लोग अपने वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि मेन काम जो होता है ना उबंटू, जो लिनक्स था उबंटू था, वो सबसे पहले CLI बेस्ड ही आया था, पूरा काम CLI के द्वारा ही होता था, और अभी भी CLI के बेस पे होता था। अब DOS क्या होता है, DOS हमारा सिंगल यूजर होता है, लेकिन जो हमारा लिनक्स OS है ना वो मल्टी यूजर है। इसी वजह से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा लिनक्स ये क्या है, मल्टी यूजर है। कैसे मल्टी यूजर है, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता था कि एक समय में जो है, जो यहाँ पर मैं आपको अभी टर्मिनल ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे हम लोग डॉस में, डॉस अभी ओपन किया था ना हमने, काला वाला विंडो जिसमें हम कमांड वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है टर्मिनल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन इन टर्मिनल, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl Alt Plus T। जैसे Ctrl Alt Plus T दबाएंगे हमारा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। अब मैं इसके स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। देखिए जो मल्टी यूजर वाला मैं बता रहा था, ये जो आप टर्मिनल ओपन किए है ना, इसका एक एक्सेस आता है, वो SSH से एक्सेस किया जाता है। इसी टर्मिनल को आप किसी दूसरे पीसी में, आप कहीं भी बैठे हैं लंदन में, विदेश में कहीं भी बैठे हैं, आप इस टर्मिनल को अपने पीसी में एक्सेस कर लेंगे और वहां से आप मल्टी लोग काम कर पाएंगे। आप अपने यहाँ पर भी टर्मिनल में काम कर पाएंगे, ठीक है, और वो कोई बंदा दूसरा रहेगा वो आपके इस टर्मिनल को एक्सेस करके वहां पर भी काम कर पाएगा। इस टर्मिनल में आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, फाइल को बनाना, फोल्डर को बनाना, यूजर बनाना, पूरे काम को इस टर्मिनल में होकर के किया जा सकता है,
इसीलिए लिनक्स जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो हैकर वगैरह होते हैं ना, वो लोग भी जो है लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरा काम जो है कमांड बेस से करते हैं। किसी चीज को हैक करना हो तो भी वो कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैकर वगैरह ज्यादा यूज करते हैं इस लिनक्स का। हैकर लोग तो आप लोगों ने इसी का एक वर्जन है पायरेट ओएस, लिनक्स का ही, तो वो लोग पायरेट ओएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्जन है इसके जो कि हैकर वगैरह में यूज किया जाता है। बाकी जो है यहाँ पर हमारा ये जो लिनक्स ओएस है, इसमें हम देख लेते हैं इसका जो ये हमने टर्मिनल ओपन किया है, इसका जो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, इसमें हम कुछ कमांड वगैरह रन करा लेते हैं। मैं इसके स्क्रीन को थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए यहाँ पर मैं, हाँ अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कमांड के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला कमांड है एलएस कमांड। एलएस कमांड का यूज जो है लिस्ट डायरेक्टरी के लिस्ट को शो कराने के लिए किया जाता है। पीडब्ल्यूडी क्या करता है, प्रेजेंट वर्क डायरेक्ट जो है डायरेक्टरी, यानी कि प्रेजेंट में आप किस डायरेक्टरी में है, किस फोल्डर में है, उसके लिए किया जाता है। हमने आपको बताया था कि डायरेक्टरी को जो है हम लोग विंडोज में जो 7, 8, 10, 11 होता है वहां पर हम लोग बोलते हैं फोल्डर, लेकिन जब भी कमांड की बात आती है तो वहां पर डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। जहां भी कमांड से काम किया जाता है वहां पर डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। सीडी डबल डॉट से क्या होता है कि वन स्टेप जो है हम बैक आते हैं, या फिर डायरेक्टरी से बैक आते हैं, ठीक है, या फिर जो है अपने डायरेक्टरी पर बैक आते हैं। सीडी से क्या होता है कि जो है किसी भी डायरेक्टरी में हम जाते हैं, ठीक है। और एमकेडीआईआर से क्या होता है, किसी भी न्यू फाइल को बना, किसी भी न्यू फोल्डर को बनाना हुआ तो हम मेक एमकेडीआईआर लगाएंगे, यानी कि मेक डायरेक्टरी लगाएंगे। इसी तरीके से क्लियर क्या होता है, जैसे वहां पर हम लोग डॉस में सीएलएस कमांड लगाते थे, यहाँ पर हम लोग क्लियर कमांड लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। बाकी डेट कमांड क्या होता है, डेट और टाइम देखने के लिए होता है। सुडो यूजर से क्या होगा, जैसे पीसी में हम लोग यूजर ऐड करते थे, हमने आपको कंट्रोल पैनल से ऐड करके बताया था कि कैसे यूजर आप जो है अपने पीसी में ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक कमांड लगाया जाता है सुडो यूजर कमांड लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर सुडो यूजर कमांड लगाया जाता है। बाकी कैट ईटीसी क्या होता है, जो आप यूजर बनाएंगे उसको देखने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे। टच से क्या होगा कि यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट किया जाएगा टच कमांड से। और आरएम से क्या, आरएम हाइफन आर से क्या होगा, जो आपने यहाँ पर एमकेडीआईआर से यूज करके डायरेक्टरी बनाएंगे उसको डिलीट करने के लिए आरएम हाइफन आर लगाएंगे, या फिर आरएमडीआईआर लगाएंगे। यदि आपने टच कमांड का यूज करके कोई फाइल बनाया है तो उसको डिलीट करने के लिए आरएम कमांड लगाएंगे। अब हम लोग जो है एक एक कमांड को देखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लिनक्स उबंटू पे, ठीक है। हाँ यहाँ पर हमारा लिनक्स उबंटू आ चुका है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एलएस कमांड लगाता हूँ। एलएस किस लिए होता है, सभी डायरेक्टरी के लिस्ट को शो कराने के लिए, यानी कि फोल्डर के लिस्ट को देखने के लिए। अब मैं एलएस कमांड लगाता हूँ। अब हम लोग डेस्कटॉप में हैं। आप देखिए यहाँ पर इसका पाथ दिख रहा है कि आप जो है डेस्कटॉप पर हैं, ठीक है। यही हमारा डेस्कटॉप है जिसे हम जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में कोई फाइल नहीं बना है, तो कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है। फोल्डर बनाने के लिए एमकेडीआईआर, यानी कि मेक डायरेक्टरी। अब यहाँ पर एमकेडीआईआर कमांड लगाएंगे और मान लेते हैं विनोद नाम से एक मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब हमारा एक फोल्डर बन चुका है विनोद नाम से। अभी देखिए आप डेस्कटॉप पर ही बना होगा ये, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर विनोद नाम से एक फोल्डर बन गया। देखिए एक कमांड लगाने से ही कितना जल्दी से हमारा फोल्डर यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब मान लेता हूँ एलएस कमांड लगाता हूँ, तो अब तो आना चाहिए कि विनोद नाम का एक फोल्डर बना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ दिखाने लगा कि हाँ विनोद नाम का एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया एलएस कमांड का यूज और एमकेडीआईआर कमांड का यूज। अब हम लोग देखते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड क्या होता है। पीडब्ल्यूडी जो कमांड होता है ये इसलिए यूज किया जाता है कि आप करंट टाइम में किस डायरेक्टरी में हैं। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा पाथ आ गया कि आप पहले होम में हैं, होम के बाद विनोद शर्मा में हैं, विनोद शर्मा के बाद डेस्कटॉप में हैं। पूरा यह रास्ता बता देगा कि भैया आप किस किस रास्ते से गए हैं और कहाँ पर हैं आप प्रेजेंट टाइम में, यानी कि इसका हो जाता है प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है पीडब्ल्यूडी का, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीडी क्या होता है। सीडी से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने सीडी से यहाँ पर लगाया, और सीडी क्या करता है कि एक स्टेप बैक आता है, ठीक है। सीडी लगाने से आप जैसे सीडी से हम मान लेते हैं फिर से डेस्कटॉप में जाना चाहते हैं, ध्यान रहे कि जो सेम यहाँ पर स्पेलिंग है डी कैपिटल है तो डी कैपिटल ही लिखना होगा। अब सीडी लगा के हम उसको लोड भी कर सकते हैं, जैसे हमने सीडी कमांड डॉस में लगाया था ना किसी फाइल फोल्डर, किसी फोल्डर को लोड करने के लिए, तो यहाँ पर इसी तरीके से यूज किया जाता है सीडी का भी। डैश डी एस के डैश टॉप यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए फिर से हमारा डेस्कटॉप लोड हो चुका है। अब हमने विनोद नाम से एक फोल्डर बनाया था ना, अब यहाँ पर सीडी से मान लेते हैं उसे लोड करना है,
तो यहाँ पर मैं सीडी लिखता हूँ और विनोद नाम के फोल्डर को मान लेते हैं लोड करना है, तो यहाँ पर मैं विनोद लिख देता हूँ और उस फोल्डर को लोड कर लेता हूँ। अब आप देखिए डेस्कटॉप के अंदर हम विनोद के अंदर चले गए, ठीक है। तो सीडी कमांड का यूज बोलेंगे कि किसी फोल्डर के अंदर घुसने के लिए या फिर उसे लोड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब एमकेडीआईआर भी हम लोगों ने जान लिया, सीडी कमांड जान लिया, PWD जान लिया, LS कमांड जान लिया। अब हम लोग देखते हैं CLER कमांड यानी क्लियर कमांड क्या होता है। तो जैसे ही CLER कमांड लगाएंगे ना, तो यहाँ पर पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने DOS में आपको बताया था CLS कमांड क्लियर स्क्रीन बताया था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्लियर कमांड लगाया जाता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखिए पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम डेट कमांड भी लगा सकते हैं। जैसे ही मैं डेट कमांड लगाऊंगा आप देखिए आपके सिस्टम का जो करंट डेट होगा और करंट टाइमिंग होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1:40 यहाँ पर टाइमिंग हो रहा है, 1:40 रात के AM और 28 फरवरी, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला कमांड लगाते हैं कि किसी यूजर को कैसे बना सकते हैं अपने PC में। तो यूजर को बनाने के लिए हम sudo user यहाँ पर हम कमांड लगाएंगे add, sudo user add, और यहाँ पर उसका नाम दे देंगे। जैसे मान लेते हैं अखिल के नाम से मैं एक यूजर बनाना चाहता हूँ, अब मैं एंटर करूंगा। यहाँ पर हमारा कमांड है sudo और यूजर ऐड उसके बाद स्पेस अखिल, यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। यहाँ पर मेरे से जो हमारा ये Ubuntu है ना, इसको हमने आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने पासवर्ड डाल के इसे ओपन किया था, तो वही पासवर्ड पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पे पासवर्ड रखा है, और जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो वो शो नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में वो पासवर्ड आपका एंटर हो चुका है। देन आपको जो आपका पासवर्ड रहेगा डालने के बाद आपको एंटर कर देना है। देखिए हमारा यूजर यहाँ पे बन चुका है। अब यूजर बना कैसे, यूजर बना या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए कैट और स्पेस यहाँ पर हमारा जो है फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है ETC फॉरवर्ड स्लैश, लिखा जाता है जो होता है कमांड हमारा, एक मिनट, हाँ PassWD होता है PassWD। और जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखिए हम लोगों ने लास्ट में अखिल नाम से बनाया था एक यूजर, तो यहाँ पर हमारा अखिल नाम से वो यूजर दिखा रहा है। बाकी हमने टेस्ट के लिए एक विशाल नाम से भी बनाया था, तो यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है यूजर बनाना भी सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टच कमांड क्या होता है। टच क्या होता है, जैसे आपको कोई फाइल बनाना हुआ, फाइल में क्या होता है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कोई इमेज वगैरह हो सकता है, ठीक है। टच लगाएंगे और मान लेते हैं बीके के नाम से जो है मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इंटर करूंगा बीके नाम से एक फाइल हमारा बन चुका होगा, वो भी विनोद के अंदर। बना या नहीं कैसे चेक करेंगे, ls कमांड लगा देंगे। जैसे ls कमांड लगाएंगे आप देखिए हमारा बीके के नाम से एक जो है फाइल बन चुका है, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए कमांड होता है rm, रिमूव। rm का पूरा नाम हो जाता है रिमूव। rm लगाएंगे और bk के नाम से एक फोल्डर हमने एक हमने फाइल बनाया था यहाँ पर आप देखेंगे, तो उसका नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दें ये केस सेंसिटिव होता है, तो आपको स्पेलिंग का जरूर ध्यान देना है, आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। अब आप मैं फिर से यहाँ पे ls लगाता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कोई भी फाइल नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने विनोद बनाया था ना, बैक आने के लिए क्या लिखेंगे, सीडी लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए जैसे हमने सीडी लगाया पूरा ही स्टेप बैक आ गया। अब मैं फिर से डेस्कटॉप को लोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप, ठीक। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमने विनोद बनाया था ना, इसको डिलीट कर दूं, तो इसके लिए क्या होता है, rmdir। देखिए rm से क्या होता है, किसी फाइल को डिलीट किया जाता है, लेकिन rmdir से क्या होगा, किसी फोल्डर को, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, रिमूव डायरेक्टरी इसका पूरा नाम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं विनोद लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर मैं ls लगाता हूँ, जैसे हम लोग डॉस में dir लगाते थे ना भाई, तो उसी तरीके से यहाँ पर ls लगाया जाता है, सो लिस्ट डायरेक्टरी। अब देखिए विनोद नाम का कोई भी ना जो है फोल्डर नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने सक्सेसफुली 11 हम जो है कमांड लिए थे, 11 कमांड का यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप कि आप जो है कमांड के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल प्रयास कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, मैं आपको सोच रहा था कि फाइल वगैरह किसी ऐप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बता दूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग होता जा रहा है, तो इसलिए चलिए ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर वगैरह को। तो किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है ना, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सीडी से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बैक आ गए हम लोग। अब जो सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि आप अपने ब्राउजर पे जाइए,
ब्राउजर पे जाने के बाद जैसे मान लेते हैं आपको डाउनलोड करना है कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसके लिए क्या करना होता है, ये हमारा ब्राउजर पहले ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि जैसे मान लेते हैं हमें कोई स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड जो है अपने इस उबंटू में इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड फॉर लिनक्स। यहाँ पर लिनक्स जरूर लिखना होगा क्योंकि जैसे हम लोग .exe फाइल को इंस्टॉल करते हैं ना अपनी विंडोज वगैरह में, तो यहाँ पर .deb फाइल इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ और जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ पर आप देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो मतलब किसी मतलब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका होता है ना वो कमांड के जो है थ्रू हम इंस्टॉल कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखिए ये बताया हुआ है कि आप जो है इस कमांड का यूज करके आप हमारे इस स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी कर लिया या फिर आप जो है इसका नाम सेम अपने उस कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप कर दीजिएगा उस इस वाले जो ये कमांड ओपन हुआ है ना जहाँ पर हम लोगों ने कमांड सीखा है, तो यहाँ पर जो है आपको सेम वही कमांड लगा जो है जो हमने कॉपी किया है उसी कमांड को लगाएंगे यहाँ पे। तो हमने जो कॉपी किया था यहाँ पर मैं ऐसे जो है पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जो ब्राउजर पे लिखा था ना, देखिए ध्यान से sudo apt install kajam, ये काजम नाम का एक कोई स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो सेम नाम जो है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको जो स्पेस वगैरह है सेम वही रखना है, देन आपको एंटर करना है। आप देखिए आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना वो यहाँ पे जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको वाई प्रेस कर देना है, वाई प्रेस करने के बाद एंटर करना है। यहाँ पर जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर जो है हमने सिंपल नाम का जो है इसमें इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका होता है ना वो कुछ अलग तरीके से इंस्टॉल किया जाता है जो कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी विंडोज में तो हम डायरेक्टली जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पर हमें exe फाइल मिल जाता है, उस exe फाइल पे क्लिक करके हम लोग वहाँ पे तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन लिनक्स में थोड़ा सा जो है अलग तरीका होता है जो कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जो ये हो जाएगा आप देखेंगे ये 14 मतलब लगभग 14 MB के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं, हमने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा समझ गए होंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछिएगा। बाकी मैं सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको इसका PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट तैयार करता हूँ, पूरा मैं रिवाइज करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आप सोचिए आप लोगों ने अपना एग्जाम पास किया है और आप लोग कोशिश नहीं करेंगे सेकेंड टाइम एग्जाम को पास करने के लिए, पूरा अपना जो है समय नहीं देंगे, हर एक चीज़ को नहीं सीखने की प्रयास करेंगे तो आप अपना स्किल टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग को बिल्कुल सफलता मिलेगी और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से अपना सेकेंड टायर एग्जाम पास करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।